फटाक 30 सेकंड में खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाथ में हथौड़ा, चारों तरफ ईंटों का ढेर, 65 साल के लादूराम और उनकी पत्नी दिन भर यूं ही पुराने घर को तोड़कर निकली ईंट को छांटते बीनते सुधारते रहते हैं। पुराना आधा कच्चा आधा पक्का वाला घर तोड़ दिया, उम्मीद थी कि अब पीएम आवास योजना में नया घर बन जाएगा। जो पैसा था उससे न्यू खुदवाई और भराई, अब पहली किस्त के इंतजार में धूप ठंड बारिश का सामना भी ये परिवार कर रहा है। सरकार दिया नहीं है, हमारे लाख डेढ़ लाख रुपया तो लगा चुका है, बोल रहा है सरकार देगी 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 देगी, जब तो पड़ेगा, अब वो आज तक दिया नहीं है। अभी कोई घर नहीं रहने के, अभी कोई घर नहीं है, जगह नहीं है, बरसात की मौसम है, बाल बच्चा छह मरता है, बहुत तकलीफ आते हैं सर। पीएम आवास योजना में नाम स्वीकृत होने पर पहली किस्त न्यू के वक्त ही 15,000 रुपए दी जाती है, दूसरी किस्त 45,000 रुपए की दी जाती है, तीसरी किस्त में 60,000 रुपए दिए जाते हैं। हर किस्त को देने से पहले जांच होती है कि कितना काम पूरा हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मुंडिया रामसर गांव में एडिटर शरद कुमार को यूं परेशान अकेले लादूराम ही नहीं मिलते हैं। ये है लीला, गुजरात में पति मजदूरी करते हैं। जयपुर के पास इस गांव में लीला ने किसी तरह ईंट बालू रोड़े सबका इंतजाम कर 45,000 रुपए का कर्जा काढ़ लिया। अब किस्त ही नहीं आ रही, काम आगे कैसे बढ़े? ऐसा नहीं है बाबूजी, काम नहीं चल रहा है, कैसे लाके डाले? तो सरकार ने तो आपका पैसा तो सैंक्शन कर दिया है ना? कर दिया लेकिन आया नहीं अभी तक, आएगा तभी बनाएंगे। नहीं क्या कह रहे हैं? बोल रहे आ जाएगा, बनाया नहीं अभी। राजस्थान में अभी 10 लाख लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए आवेदन कर रखा है। 2021 में 3,97,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया, इसमें से भी 3,12,000 लोगों के लिए घर स्वीकृत हुआ, लेकिन केवल 62,000 लोगों को ही पहले किस्त मकान बनाने के लिए मिल पाई। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ओम प्रकाश जैसे गरीबों के घर की है, जिन्होंने अपना पुराना मकान तोड़ दिया। पीएम आवास योजना की उम्मीद में न्यू खुदी, लेकिन अब किस्त नहीं आती तो सपने इसी न्यू में दबे रहे, पत्नी बच्चे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पैसा आएगा तो बनाएंगे। अभी पैसा नहीं, शुरुआत करने के लिए नहीं आया। पैसा नहीं है शुरू करने के लिए? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जरूरत पड़ी है नहीं। गरीबों को मकान मिल सके ऐसा ग्रामीण विकास मंत्रालय अब तक मुख्यमंत्री गहलोत के पास था, अब नए मंत्री रमेश मीणा है, ये जिम्मेदारी दिल्ली पर ही थोप देते हैं। मैं दिल्ली से है, हमने काफी बार उनको अनुरोध भी किया है कि ये जो सिस्टम है, इसका सारा सिस्टम ऐप हमारे पास होना चाहिए, किसका नाम जुड़ा है, किसका कटा है। तो हमने भारत सरकार से अनुरोध भी किया है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही सर्वे होता है, वहाँ से तय होता है किसके खाते में पैसा पहुँचना है, वहाँ से सीधा दिल्ली से पैसा उसके खाते में पहुँचता है। तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि जल्द मकान मिले? क्योंकि बाड़मेर में 29,900 घर सैंक्शन हुए, पैसे नहीं मिले। झालावाड़ में 24,744 घरों का पैसा नहीं आया। उदयपुर में 23,588 घर पैसों के इंतजार में अधूरे पड़े हैं। डूंगरपुर में 17,809 घरों की उम्मीदें अधूरी हैं। बांसवाड़ा में 16,308 घरों का पैसा जारी नहीं हुआ। इसीलिए लादूराम जैसे हजारों गरीबों के घर के सपने पर हथौड़ा चल रहा है, उम्मीदें पत्थर हो रही हैं। एक क्षण के लिए वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर यूं कहा मैं तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता याद आ जाती है, इस तरह से जब देखते हैं कि एक अदद घर के लिए तरसते लोग किस तरह से चुन चुन कर पत्थर तोड़ रहे हैं। काश सरकार इनका दर्द समझ पाती और जो पैसे इन्हें मिल चुके हैं या मिलने वाले हैं जल्दी इनके खाते में डाल देती, तो इनका भी अपना घर होता, उस आंगन में यह भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह पाते। कैमरामैन की शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।